हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कार विलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और नई गाड़ी है, तो देखते हैं कौन सी गाड़ी है। आज है निसान सनी एक्सल, यानी सेकंड टॉप मॉडल है ये। सबसे पहले जो कि हम करते हैं गाड़ी का नंबर देख लेते हैं, DL11CA0437। ओके, ये गाड़ी की पहली हेडलाइट है। जैसे कि आप हेडलाइट की कंडीशन देख रहे होंगे, कंडीशन बहुत ही नीट एंड क्लियर है, साफ है। ये गाड़ी की दूसरी हेडलाइट, राहुल को बोलूँगा वो दिखाएगा आपको, ठीक है। साथ साथ में टायर की कंडीशन भी देखते चलते हैं। ये आपका पहला टायर अच्छी खासी कंडीशन में है। ये आपका फ्रंट डोर एकदम नीट एंड क्लीन गाड़ी है। सेकंड डोर आपका, बैक डोर आपका, फ्यूल टैंक कैप, ये गाड़ी की बैक लाइट देख सकते हैं। इसकी कंडीशन आप बहुत अच्छी कंडीशन में है। सेकंड थिंग, ये गाड़ी की सेकंड बैक लाइट देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में। राहुल को मैं बोलूँगा एक बार पूरा लुक अराउंड दे देगा आपको, एक बार पूरा लुक अराउंड दे दो। अब गाड़ी का बूट दिखाता हूँ, डिक्की का स्पेस दिखाता हूँ। पहली बात, ये यहीं से ओपन हो जाती है। अंदर भी ऑप्शन है आपका, आप अपने ड्राइवर केबिन से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे, की के अंदर ऑप्शन दिया गया हो, मैं राहुल को बोलूँगा जूम करके दिखाएगा, की के अंदर ये ऑप्शन दिया गया हुआ है आपका बूट ओपन का। ये देखो आपका बूट ओपन हो गया है। अब हम इसकी स्पेस की बात करें, राहुल पूरा आप दिखाओ, स्पेस देखो। अगर ये गाड़ी पेट्रोल के अंदर है, 2012 XL पेट्रोल के अंदर, अगर इस गाड़ी के अंदर आप CNG भी लगा लेते हो, उसके बाद भी आपको बहुत ज़बरदस्त स्पेस जो है वो बच जाता है। कम क्लोजर, ये देखिए आपका स्पेयर टायर और गाड़ी की कंडीशन आप देखिए, कहीं से आपकी गाड़ी जो है ठुकी पिटी नहीं है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। स्पेस के मामले में तो कोई जवाब नहीं है। मतलब अगर हम राहुल यहाँ पे एक जैसे सिलेंडर भी लगा लेते हैं, CNG लगा लेते हैं, उसके बावजूद भी इतना स्पेस, नॉर्मल गाड़ियों में जितना स्पेस तो बच जाएगा इसमें CNG लगाने के बाद। ग्रेट यार। अब हम लुक अराउंड हमने दे दिया है गाड़ी का, अब इसका इंजन देख लेते हैं हम। तो दोस्तों देखते हैं गाड़ी के इंजन की कंडीशन। ये देखिए आपका पहला एप्रॉन और गाड़ी की कंडीशन आप देखिए, जानने की कोशिश करते हैं गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। ये आपका दूसरा एप्रॉन, इनसे पता लग जाता है गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है, गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल। बैटरी आपकी एक्साइट की बैटरी है, नई बैटरी है। टायर्स की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी, एक्सटीरियर मैंने आपको दिखा दिया कि ओवर नीट एंड क्लीन गाड़ी है। हल्की फुल्की गाड़ी के अंदर टचिंग है जो कि स्क्रैच को हटाने के लिए की गई है, बाकी गाड़ी ओरिजिनल है। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं, तो चलते हैं इंटीरियर की तरफ गाड़ी। तो दोस्तों मैं अभी ज़्यादातर मैं गाड़ी में पीछे नहीं बैठता हूँ, तो आज मैं पीछे इस गाड़ी में बैठा हूँ निसान सनी में। उसका रीज़न है, आप स्पेस देखो गाड़ी का, बैक पैसेंजर के लिए स्पेस देखिए आप। राहुल आपको जूम करके दिखा रहा होगा, आप देखिए ये AC वेंट आपके, आप खुद पीछे का AC अपने आप एडजस्ट। पीछे भी देखो आपका आर्मरेस्ट दिया गया हुआ है, यानी दोनों, अगर हम दो लोग बैठे हैं तो दोनों लोग अपने आराम से अपने हाथ रख के आर्म्स रख के आर्मरेस्ट आपको दिया गया, प्लस दो कप होल्डर भी आपको दिए गए हैं। बहुत ही कम्फर्टेबली
आप ट्रैवल कर सकते हो, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग रूट पे भी जा रहे हो तो आपको सोचना नहीं है, ये गाड़ी बहुत ही आपको कंफर्ट देने वाली है, ऑसम स्पेस नो डाउट। और वैसे भी गाड़ी की अगर मैं अभी आपको पावर के बारे में भी बताऊँगा, गाड़ी का स्पेस आपने चेक कर लिया, मैन मतलब यही था पीछे बैठने का कि गाड़ी का मैं स्पेस आपको चेक करा दूँ। सो लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, इंटीरियर चेक कर लेते हैं। एसी हमने चलाया हुआ है, कूलिंग ठीक कर रहा है, नो प्रॉब्लम। ग्लव बॉक्स और स्पेस हम देख लेते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए आप स्पेस अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड स्टूडियो मिल जाता है, ऑलमोस्ट सारी फंक्शन है, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आपका ऑक्स, एफ एम, सीडी, डीवीडी, ऑलमोस्ट ऑक्स सारी फंक्शन है, ऑलमोस्ट यूएसबी आपका ये, इसमें थोड़ा सा ये है कि चार्जिंग पोर्ट 12 वोल्ट का इधर दिया गया है, जहाँ से आप लाइटर ऑन कर सकते हैं, अपना चार्जर लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक साइड मिरर एडजस्ट आप कर सकते हो, मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। आप साइड मिरर पे फोकस करिए राहुल, ये देखिए अंदर से ही आप एडजस्ट कर सकते हो इसको, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी आपको करना है। यहीं पे आपको हेडलाइट बीम एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, यहीं से, जैसे कि सभी भी गाड़ियों में यहीं पे होता है। इसमें भी चाइल्ड लॉक है, एबीएस सिस्टम है, क्लाइमेट कंट्रोल है, सारे मतलब जो भी एक लग्जरी गाड़ी में होनी चाहिए सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। एयरबैग है, सेफ्टी के लिहाज से आपको एयरबैग भी दिया गया हुआ है। स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल है आपका, जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल है, चाइल्ड लॉक है आपका, सारी चीज़ें यहीं से लगभग ड्राइवर केबिन से ही आप ऑपरेट कर सकते हो। स्पेस दिखा दिया, सारी चीज़ें आपको दिखा दी। हाँ, गाड़ी 74,000 किलोमीटर चली हुई है, 74,673 राइट नाउ, ये गाड़ी का मीटर है। अभी सिंगल ऑनर है, पेट्रोल के अंदर गाड़ी है। सो गाड़ी को ऑलमोस्ट सारी चीज़ मैंने कवर कर दी है, एसी चल रहा है, एसी की कंडीशन बता दी, लगभग सारी चीज़ें वर्किंग हैं। ये आपके अब मिरर देख लीजिए, ये देख लीजिए, अच्छी कंडीशन में वर्किंग है, सारे ऑलमोस्ट मैंने चला के देख लिए हैं, सारे के सारे वर्किंग हैं, लाइट जलाई हुई है मैंने, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ वर्किंग है गाड़ी के अंदर निसान सनी। और पावर की जैसे कि मैं बात करूं, हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने एक्सटीरियर दिखा दिया, इंटीरियर दिखा दिया, ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी है निसान सनी, वैसे भी फीचर्स के मामले में इसके जो कंपैरेटिव जो सेडान कार्स हैं उससे ज़्यादा फीचर आपको कम दाम में निसान सनी के अंदर मिल जाते हैं। 1500 सीसी का इसका इंजन आता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी पावर देता है, बहुत ही अच्छा पिकअप देता है नो डाउट। और सेकेंड थिंग, आपको सेफ्टी के लिहाज से एयरबैग मिल जाता है, सारे फीचर हैं, फुल्ली लोडेड गाड़ी है, स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल है, स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, साइड मिरर आपके अंदर से ही ऑटोमेटिक हैं, अंदर से ही आप एडजस्ट कर सकते हो, चाइल्ड लॉक, सेफ्टी लॉक, ऑटो लॉक, एबीएस, लगभग सारी चीज़ें। अगर मैं फाइव गियर के अंदर आती है गाड़ी, ये आर्म रेस्ट हो गया आपका, पीछे भी दिया हुआ है आर्म रेस्ट जैसे कि मैंने बताया था, सीट बेल्ट, सिक्योरिटी फुल है, स्पेस ज़बरदस्त है गाड़ी का। और गाड़ी के बारे में जैसे कि मैं बताया, 74,000 समथिंग चली हुई है, सिंगल ओनर है, पेट्रोल है, एक्सएल है, सेकंड टॉप मॉडल है। अब इस गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं, प्राइस कितना है राहुल इसका? इसके पैसे हैं, इसकी जो कीमत है 2,45,000, जैसे कि राहुल ने बताया। ये भी नेगोशिएट हो जाएगा, जब आप आओ गाड़ी देखो, गाड़ी की आप टेस्ट ड्राइव लो, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आप अच्छे से जो भी चीज़ें मैंने दिखाई हैं वो चेकआउट कर लो, क्रॉस चेक कर लो, उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। इस गाड़ी पे लोन भी अवेलेबल है, लोन भी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला, दिल्ली एनसीआर के पेपर वर्क मैं ऑलरेडी सबको बता ही चुका हूँ कि अगर लोन लेना है तो क्या क्या पेपर वर्क चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी अगर किसी को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकता है। जो भी हमारे व्यूअर, हमारे दोस्त, हमारे भाई पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक आ जाए।
और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती प्लीज़ वो भी मेंशन करें, कुछ हमें इम्प्रूव करना है तो वो भी बताएं, हम बिल्कुल उस पर ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में हम उसको इम्प्रूव करें। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।